वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों पेगासस के जरिए कथित जासूसी को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस कर रही है। कभी राहुल गांधी की अगुवाई में 14 दलों के सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला, तो कभी संसद के अंदर हंगामा करके पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मगर ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकार पर जासूसी के आरोप लगे हों। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी जासूसी करवाने के आरोप लगते रहे हैं, और वो भी किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बहू मेनका गांधी की जासूसी करवाने का आरोप राहुल गांधी की दादी इंदिरा पर लग चुका है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। प्रमुख लोगों की जासूसी करवाने का चलन इंदिरा गांधी के जमाने में शुरू हुआ, ऐसी बातें अब सामने आ रही हैं। गांधी परिवार के सदस्यों से लेकर देश की कई जानी मानी हस्तियां पीएम गांधी की जासूसी लिस्ट में शामिल थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी जासूसी के साये से बच नहीं पाए थे। आईबी के पूर्व संयुक्त निदेशक रहे मलोय कृष्ण धर ने अपनी किताब ओपन सीक्रेट्स इंडियन इंटेलिजेंस अनवील्ड में कई चौंकाने वाले दावे किए थे। किताब में दावा किया गया था कि इंदिरा गांधी पहली राजनेता थी जिन्होंने जासूसी करवाई थी। इंदिरा गांधी ने आईबी को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पर नजर रखने के लिए कहा था। इंदिरा गांधी के आदेश पर जनरल सिंह भिंडरावाले से बातचीत को रिकॉर्ड किया गया था और यह रिकॉर्डिंग इंदिरा को सौंपी गई थी। बाद में ज्ञानी जैल सिंह को इस बारे में पता चल गया था और वो लोगों से बाहर गार्डन एरिया में ही मिला करते थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज भले ही मोदी पर सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों की जासूसी करवाने का आरोप लगा रहे हों, मगर जासूसी का आरोप पहली बार झेलने वाली प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी थी। कहा जाता है कि राहुल की दादी ने राहुल की चाची की जासूसी करवाई थी, यानी कि इंदिरा ने मेनका गांधी की जासूसी करवाई थी। अपनी किताब में एमके धर आगे लिखते हैं कि इंदिरा ने अपनी बहू मेनका गांधी पर आईबी को नजर रखने के लिए कहा था। आईबी ने मेनका के सभी दोस्तों की जासूसी की थी और उनकी बातचीत को टेप किया था। यहां तक कि मेनका की मां की भी जासूसी कराई गई थी। उनके द्वारा चलाई जा रही मैगजीन के एडिटोरियल बोर्ड की भी जासूसी करवाई गई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी साल 2011 में वित्त मंत्री रहते हुए जासूसी करवाने के आरोप लगाए थे। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि उनके कार्यालय की जासूसी करवाई जा रही है। उस दौरान गृह मंत्रालय की कमान पी चिदम्बरम के हाथ में थी। बाद में आईबी ने कहा कि मुखर्जी के कार्यालय की कभी कोई जासूसी नहीं की गई। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी यूपीए के शासनकाल के दौरान आरोप लगाया था कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। June 25, 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद सियासी गलियारों में उथल पुथल मच गई। विपक्षी नेताओं को इसका अंदेशा पहले से ही था। जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ नेता तो अंडरग्राउंड हो भी गए, लेकिन आडवाणी वाजपेयी जैसे तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर आम लोगों को पता ही नहीं था कि इमरजेंसी का क्या मतलब होता है। सड़कें सूनी हो गईं, पुलिस की गश्त बढ़ गई।
पीएम इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के कामों की देश के मीडिया में जमकर धज्जियां उड़ चुकी थी। यही वजह है कि तमाम अखबारों और उनके संपादकों से चिढ़े बैठे संजय गांधी ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली थी। खासकर कुछ चुनिंदा अखबार और पत्रकार तो संजय एंड टीम के निशाने पर थे। ऐसे में संजय ने तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फोन करके प्रेस को दुरुस्त करने का हुक्म दिया। उनके लहजे और आदेश पर गुजराल गुस्सा हो गए और दो टूक कह दिया कि वो उनकी मां के सहकर्मी है, न कि संजय के घरेलू नौकर। इसके बाद 3 दिन के भीतर ही यानी कि 28 जून 1975 को गुजराल से सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार ले लिया गया और विद्या चरण शुक्ल को सौंप दिया गया। मंत्री बनते ही विद्याचरण शुक्ल ने तमाम समाचार पत्र के संपादकों को मंत्रालय में बुलाया और सरकार विरोधी खबरों को न छापने की हिदायत देते हुए कहा कि सरकार आपके काम से खुश नहीं है। इस तानाशाही भरे फरमान पर जब संपादकों ने एतराज जताया तो वीसी शुक्ल की अगली चेतावनी आई, फिर हम देखेंगे कि आपके साथ क्या बर्ताव करना है। कहा जाता है कि इस सरकारी सख्ती के बाद अगले 18 महीनों तक जयप्रकाश नारायण का वो बयान किसी ने भी नहीं छापा जो जेपी ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त दिया था। वो बयान था विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार संपादक रहे कपिल अग्निहोत्री के मुताबिक पहली बार सरकार को लगा कि खबरें उसके खिलाफ नहीं जानी चाहिए। पीटीआई यूएनआई जैसी एजेंसियों को चेतावनी जारी कर दी गई कि वो बिना बताए संवेदनशील खबरें जारी न करें। सरकार की बात ना मानने पर एजेंसियों के सामने बंद होने का खतरा मंडराने लगा। देखते ही देखते सत्ता विरोधी खबरें ज्यादातर अखबारों से गायब होने लगी। इंदिरा के बयान, उनके कार्य और उनकी योजनाओं की पॉजिटिव बातें ही अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। आपातकाल के दौरान जब तत्कालीन आईबी मिनिस्टर संपादकों पर नियंत्रण की बात कर रहे थे तो किसी ने अंग्रेजी राज में भी ऐसी पाबंदियां ना होने की बात कह दी। इस पर तुनक मिजाजी के साथ वीसी शुक्ल बोले, ये अंग्रेजी राज नहीं आपातकाल है। फिर क्या था, 100 से ज्यादा अखबारों को सरकारी विज्ञापन रोककर उन्हें झुकने पर मजबूर किया गया। मगर इन तमाम सख्तियों के बावजूद इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका और स्टेट्समैन के सीआर ईरानी ने झुकने से इनकार कर दिया। नाराज सरकार ने प्रेस काउंसिल भंग कर दिया। इमरजेंसी की जिन लोगों ने खुलकर आलोचना की उनमें वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी शामिल थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। नैयर को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा भी था। एक दिन सुबह पुलिस वाले उनके घर आ धमके। नैयर ने कहा कि आप घर की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि वे तलाशी लेने नहीं बल्कि गिरफ्तारी करने आए हैं। नैयर ने अपनी आत्मकथा एक जिंदगी काफी नहीं में लिखा है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद थानेदार ने वायरलेस सेट पर अपने सुपरिंटेंडेंट को मेरी गिरफ्तारी की खबर देते हुए कहा, शेर पिंजड़े में आ गया। मीडिया पर सरकारी नियंत्रण की कोशिशों पर यह थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही लीक से हटकर खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।